किया है मैम, और इसमें दरोगा साहब ने किया है, आप एक बार इंस्पेक्टर से मिल लेना, उन्होंने खुद बोला। ठीक है, तो ये सब मनगढ़ंत बातों पे ध्यान मत दो कोई भी भाई। दूसरा पक्ष ये है कि हमारी मदद कर दो, हम लोग जब कुछ नहीं करते तो गल्ला पानी भरवाने की। तो उनकी डेट वेट थी, कुछ गाड़ी का मसला सिलसिला था, गाड़ी छुड़ानी थी उन्हें कुछ। आप लोग हो रहा डांस चल रहा है। क्या कह रहे हो? इसके बाल कैसे हो गए? टोपा उतार दिया। अच्छा, बाहर साइकिल चला रहा था, इतनी हवा चल रही है। क्या सॉस? अच्छा, रैपर खा गए? गरीब हैं हम लोग, रैपर वाले ही सॉस खाते हैं। टेस्टी है। ओके गाइस, अप्पे बनाए हैं साक्षी मिश्रा ने। फर्स्ट लॉट है ये, इसलिए ऐसी है। अब सेकंड लॉट जो आएगी वो बढ़िया बन के आएगी। गाइस तैयारी चल रही है पूरी, अब मैं जा रहा हूँ कचहरी। देखो आप, रैली निकल रही है बढ़िया। रैली के बड़े बड़े दिग्गज नेता होंगे इस रैली में। चल रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं महंगी महंगी। बहुत मजा आता है बरेली पब्लिक को ये रैलीबाजी करने में। खैर होनी भी चाहिए, 22 तारीख की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। गाइस हम भी कुछ छोटा मोटा कर देंगे। तो गाइस मैं आया हूँ कचहरी, जो 18 तारीख पड़ी थी ना, उस दिन कुछ कैंडुलेंस वगैरह हो गई थी कचहरी पे, तो मेरा काम हो नहीं पाया था जमानत वाला। तो आज हम लोग आए हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल जो बेल बॉन्ड भरने हैं वो तो भर ही जाएंगे, वो काम तो हो ही जाएंगे। फिलहाल ये जो फंसा के किया है ना घर वालों ने, अननेसेसरी झूठी शिकायतें मुकदमेबाजी करके, ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। जो कमेंट करके हमें समझा रहे हैं, घर वालों को समझाओ ये सब करना गलत है, ठीक है। बाकी ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ तो देवी और सज्जनों, तारीख हो गई है, तारीख ले ली है, नेक्स्ट डेट मिल भी गई है। और जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि कैंडोलेंस हो गई थी, इसलिए हमारी तारीख वाला काम हो नहीं पाया था। तो फिलहाल एक छोटा सा काम और है, एक भैया मिल गए हैं, तो वो बोले मैं अपना भी काम निपटा लूँ फिर साथ में चलना। तो उनकी डेट वेट थी, कुछ गाड़ी का मसला सिलसिला था, गाड़ी छुड़ानी थी उन्हें, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। ओवरऑल घर पहुंचते हैं फिर साक्षी से बात कराते हैं आपकी, उनका कहना क्या है। उन्हें घर छोड़ के आया हूँ विवान को और साक्षी को, ठीक है ना। नेक्स्ट डेट पे आना है उन लोगों को साथ में। तो गाइज मैं जैसे भैया की शॉप पे आता हूँ ना दूध लेने, तो वीवो का पहले फ़ोन आ जाता है कि उनके लिए कुछ ले आना। आजकल चौकोपाई ज़्यादा खा रही है और ये वाली नमकीन इन्हें ज़्यादा पसंद आ रही है, वही तीन दे दीजिए, इसलिए ये बार बार लेना पड़ता है। मैंने शीनू को फ़ोन करा पूछने के लिए कि भाई कुछ और तो नहीं लाना है, मैंने दही और दूध ले लिया, तो पीछे से कह रहे हैं डैडी डैडी चोकोविक्स ले आना। फिलहाल चोकोविक्स तो बहुत चॉकलेट खा रहा है, इसलिए चोको पाई ले लिया, इसमें चॉकलेट की क्वांटिटी आई थिंक कम होती है। क्योंकि वो पॉटी करता है तो पॉटी में भी चॉकलेट ही निकलती है। तो गाइस ठंड हो रही थी बहुत, मैं आते ही कंबल में फिट हो गया। अब कोर्ट कचहरी के टाइम में समय तो लगता ही है, मुझे लेट हो गया काफ़ी, तो हो सकता है आज ब्लॉग भी लेट आए। कोई बात नहीं, बाकी सूत्रों से खबर आ रही है कि वो जो भैया हैं सुमित शुक्ला जी, बिलग्राम हरदोई वाले, वो अफवाह फैला रहे हैं कि 10 लाख रुपए ले लिए हैं साक्षी जितेश ने और समझौता हो गया, केस ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी तो उसमें हमारे बयान भी नहीं हुए हैं, हमने अपने प्रूफ भी नहीं दिए हैं कि हम लोग पे क्या एविडेंस है जिसमें कि पुलिस को लगे कि हाँ सुमित शुक्ला गलत है, ठीक है। तो शुक्ला जी ऐसे अफवाह उफवाह मत फैलाइए आप कि हमने पैसा ले लिया, कि हमने समझौता कर लिया, इस तरीके का मुकदमा पुलिस झूठा भी नहीं लिखती है। और दूसरी बात कि
जो केस हमने करी है, शिकायत करा है, उसको वो समझौता करने के लिए नहीं करा है, ठीक है। तो आप अपना बाहुबल दिखाते रहिए, बिलग्राम की जनता को दबाते रहिए, झूठी अफवाहें फैलाते रहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें जो ठीक लग रहा है हम वो कर रहे हैं, और कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें बिलग्राम वालों, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, ठीक है ना। बस यही बताने के लिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, कहीं सोच रहे हो, क्योंकि कल भी फ़ोन आ रहे थे, सुबह से कई फ़ोन आ रहे हैं कि वो यहाँ पे ये अफवाह उड़ गई है कि आप लोगों ने 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। तो ये सब मनगढ़ंत बातों पे ध्यान मत दो कोई भी भाई। और एक दो उनमें से ही जो हैं जिन FIR में जिनके नाम है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि वो बात हो गई, समझौता हो गया, वो लोग डर गए। तो वीडियो बना रहे हैं, डरे हो रहे नहीं है, और ठंड है इसलिए घर में अपना आराम से हैं, बिकट ठंड पड़ रहा है। आज धूप निकल आई है तो और ज़्यादा ठंड हो गया है, ठीक है ना। धूप निकली थी मतलब, अब तो शाम हो गई है तो ठंड हो रही है। बहरहाल आज के ब्लॉग में ज़्यादातर मैं ही दिख रहा हूँ आपको, तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे। लीजिए मैं साक्षी को भी दिखा देता हूँ दोनों क्या कर रहे हैं। मेरा इंतजार करते करते बेचारी ने अब खाना खाया है, और मैंने भी थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि गाइस एंशिएंट टेंशन में भूख भूख नहीं लगती है। तो मैं टाइम भी दिखा देता हूँ कितने बजे वो दोनों लगे हुए हैं। क्या करा, काट लिया इनने मेरे मम्मा के। हाँ। कच्ची कर ली, बहुत तेज हो रहा है लड़का तुम्हारा। क्यों डैडी, ये लाड भी दिखाएंगे, इसको पता है मार लगा देती हूँ इसलिए प्यार भी दिखा। ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, और आज हल्की सी धूप निकली थी, मैंने सारे कपड़े निपटा दिए अभी से, सारा काम निपटा दिया। ये इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करा, नो डाउट। मेरे बच्चे ने वीवो हवा चम करो उसकी, मम्मा साक्षी तेरी ब्लॉग्स कर रही है ना, वीवो को कह दो कि मम्मा साक्षी तेरी ब्लॉग्स कर रही है, तो वीवो बिल्कुल आवाज कम कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग अपनी सेफ्टी भी चाह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हर कोई चाहता है अपनी सेफ्टी पहले, क्योंकि जैसे मेरे सो कॉल्ड इन लॉज ने अपनी सेफ्टी चाहिए, तो भाई हम भी क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो बल्कि बिल्कुल वो कौन सा क्षेत्र कहते हैं, आगे आगे खतरा है, आगे मत जाइए, आगे खतरा है। हेलो, हाँ आगे मत जाइए, आगे खतरा है। तो गाइस हम लोग जो बीट जो होते हैं चीता मोबाइल वाले, जिनकी बीट पे होते हैं, जिनकी बीट होती है, तो हमने उनको फोन किया था, और जो हमारे नोटिस में जिनका नाम है, जिन्होंने लिख कर दिया होगा कि क्या कहते हैं ऐसे ऐसे पारिवारिक मामला है और दो पक्षों में कभी भी लड़ाई हो सकती है, शांति भंग कर सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ था, तो उनका नाम लिखा था उसमें। तो मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, और इसमें मैंने कुछ नहीं मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने उनको बस ये बोला कि आपने कार्रवाई एक तरफा क्यों की, आपने कार्रवाई दोनों तरफा क्यों नहीं की। तो उन्होंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मैम, और इसमें दरोगा साहब ने किया है, आप एक बार इंस्पेक्टर से मिल लेना, उन्होंने खुद बोला। तो हम दो तीन बार जा चुके हैं इंस्पेक्टर साहब से मिलने, लेकिन वो हमें नहीं मिलते हैं। एक बार जब हम गए थे तो उनके पहरेदार सर ने ये बताया कि भाई क्या कहते हैं वो इलाहाबाद गए हुए, दूसरी बार जब हम गए तो उनकी तबीयत सही नहीं थी, फिलहाल वो हमसे नहीं मिले हैं अभी तक। और हमें यही उनसे पूछना है जाकर, भाई हम अपना प्रश्न क्वेश्चन मार्क तो लगा सकते हैं ना, कि भाई एक तरफा कार्रवाई क्यों, एक तरफा 107-16 का नोटिस क्यों, भाई हम अपनी सेफ्टी भी तो चाहेंगे, पता लगे सामने वाला खुद ही खून वून निकाल के खुद ही थाने पहुंच जाए और साक्षी अजय देश पे मुकदमा लिखवा दे, क्योंकि सामने वाला तो ये कहेगा कि हम तो पहले ही तहरीर दे चुके हैं, तो भाई हमसे भी तो पूछा। असल में गाइस आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोग को यही पता चलेगा कि 107-16 की जो कार्रवाई होती है पुलिस अमूमन दोनों पार्टियों पे करती है, क्योंकि झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा यहाँ पारिवारिक मामला है, तो सिर्फ हमें सिर्फ इंडिविजुअली नोटिस भेजा गया, ये कंडीशन तब पैदा होती है जब पुलिस कुछ मिठाई उठाई खा के ये कार्रवाई करती है। हाँ, एक तरफा, हाँ, नहीं। एक तरफा कार्रवाई, देखिए जहाँ आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे कि सामने वाले को फंसाने के लिए पहले 107-16 की कार्रवाई की जाती है, फिर सेकेंड पार्टी अपने आप को फोड़ती फाड़ती है, पिटती है, और थाने में मुकदमा करा देती है, और जो बेगुनाह होते हैं उन पे सीधे मुकदमा। और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ साक्षी अजितेश ही नीचे वालों से लड़े हैं, ये लोग आपस में ही खुद भी लड़ते रहते हैं, बहुत भयंकर लड़ाइयां, तो खुद ही लड़ पिट के हमारा नाम लेके पहुंच जाए, क्या बात होता है भाई। और दूसरी चीज, जैसे आज भी गए थे हम SSO साहब से मिलने, तो होता क्या है कि भाई थाने जाते हैं तो होते ही नहीं है वो लोग, भाई समझ रहे हैं कि भाई काम धंधे होते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है इन लोगों का,
लेकिन हमारे जैसे जो लोग शिकायत करने जा रहे हैं, जैसे सपोज डेट हमारे मेरी फैमिली गई शिकायत करने, इन लोगों ने उनकी एप्लीकेशन भी ले ली और उनकी उस पर कार्रवाई भी कर दी, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं तो हमसे मिलने में क्या परेशानी है। जैसे जो बीट पे थे जो भाई साहब, एक ठीक है अखिलेश नाम है उनका, नाम सुन लीजिए, उनसे बात करी तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि वो साहब दरोगा जी ने कराया जो कुछ करा। नहीं बोले चिंता मत करो उसमें कुछ ऐसा नहीं है और सही से रहो। मैंने कहा आप ये बात क्यों कह रहे हो, हम क्या किस कब देख लिया हमसे लड़ाई झगड़ा करते हुए। मैंने फिर हमने उन्हें बताई अपनी बात की ऐसी ऐसी समस्या है, तो बोले अच्छा ऐसी बात है तो आप दरोगा जी से मिल लेना, आप अपनी बात रख देना। चलिए गाइस कोई बात नहीं, बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ संभावना है, बाकी आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए, ठीक है। और बाकी जो बिलग्राम वाला मैंने बता दिया आपको कि कोई समझौता नहीं, कोई लेन देन नहीं, खाम खा की हवाबाजी है। हमारी एक मैम है, हमने उन्हें फोन करा, हमने कहा मैम ऐसी ऐसी अफगा उड़ रही, तो मैम कह रही इससे बढ़िया उसे को 10 लाख नहीं जाए अफगा के नहीं मजाक की बात ये जस्ट फॉर जोक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे प्यार बने रहिए, प्यार बनाए रहिए, सॉरी। और थोड़ा सा दिमाग में हेडकबाजी ज़्यादा है तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि वो घर के ही ब्लॉग आ रहे हैं या और कुछ बना ही नहीं रहे हैं। क्या बनाए बताइए आप, सुबह के गए हुए हैं कचहरी तो अब फ्री होकर के आप आए 5 बजे। 22 तारीख को कुछ करेंगे क्रिएटिव, 22 तारीख का कुछ बनाते हैं, 22 तारीख का करते हैं, क्योंकि अयोध्या का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया गाइज, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो हाई पावर है, आला मतलब कह सकते हैं मंत्री विधायक जी जो लोग भी हैं, उन लोगों ने बरेली के बच्चों के लिए कोई ऐसी सोर्स या ऐसी कोई पावर नहीं लगाई, या कह लीजिए कि ध्यान ही नहीं दिया, जो वहाँ पे अयोध्या जाकर के आपके बरेली के बच्चे कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाते कह लीजिए, या अच्छा कुछ रंगोली बना पाते, कुल मिलाएगी ये, ठीक है गाइस। तो मैं अब वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो लेट आएगी तो ऐसा मत कीजिएगा कि प्यार ना दे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और जो बिना ब्लॉग देखे, देखो जिन्हें हमें गलत कहना है गलत समझना है वो तो हमें गलत लिखेंगे ही, जैसे बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि घर में रहते हो इसलिए कलेश है। अरे यार मतलब घर में रह रहे हैं, सुनो हाँ। लोग तो पूरा लॉकडाउन 2-2, 3-3 साल लोग घरों पे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम किया है, तो उन्हें क्या खाओगे, जरूरी थोड़ी है कोई झोला टांग के बाहर जाए तभी पैसा कमाएगा या तभी कुछ जॉब करेगा। मानसिकता वही है ना कि सुबह 9 से 5 वाली नौकरी करो और महीने की 30-40-50 हज़ार रुपए सैलरी पाओ, लिमिटेड जिंदगी हो जाएगी आपकी। देखो गाइस मेरा ही मानसिकता कह लो या मेरी सोच कह लो कि नौकरी में आप पैसे वाले कभी बनेंगे नहीं और भूखे मरेंगे नहीं। नौकरी जो करते हैं देखो बुरी लग रही होगी, जिसे ज्यादा चिंता है ना कि क्या काम हाँ, करते हो क्या नहीं। देखो सुनो, जिसे ज्यादा चिंता है हमारी कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो उसका जब कुछ नहीं करते हैं आप लोग की नजर में तो उसका दूसरा पक्ष ये है कि हमारी मदद कर दो। हम लोग जब कुछ नहीं करते तो गल्ला पानी भरवाने के लिए आप वीर सावरकर नगर गेट नंबर 6 में गल्ला भेज दीजिए, ठीक है। वो गार्ड वोड से पूछेंगे तो खुद घर बता देगा कि उनका घर कहाँ है, हमारे घर पे गल्ला भिजवा देगा। दूसरी बात हाँ। जो कॉलिंग के लिए जो नंबर दे रखा है 9286484848, जिसे ज्यादा फिकर है हमारी धनराशि डोनेट कर सकता है, वो नंबर UPI पेटीएम लौड़ा मतलब जो भी है सब पे है वो, आप अपना कर दीजिएगा पेटीएम UPI जिसे जो करना हो, अगर हमारी ज्यादा चिंता खाई जा रही है, ठीक है। और जिसे ज्यादा उत्सुकता है हमारे बारे में जानने की तो वो हमारे पुराने ब्लॉग्स देख लीजिए, मैंने सब में बता रखा है हमारे क्या काम धंधे थे, क्या काम धंधे हैं और क्या काम धंधे आगे रहेंगे, सब कुछ बता रखा है। रोज रोज थोड़ी ना बताते रहेंगे कि आज बना के क्या खाया, कि अजितेश ने आज क्या काम किया, ठीक है। और हाँ। तुम लोग की मजाक उजाक बनाने के लिए हम खूब कहते रहते हैं कि आज दिहाड़ी मजदूरी पे जा रहे हैं, कि आज फावड़ा चलाने जा रहे हैं, आज ईंटें ढोने जा रहे हैं। मोदी भी ये कहते हैं कि कुछ भी करो, मैगी बनाओ, पूड़ी बनाओ, कुछ भी करो, काम करो, लेकिन बात खत्म, कोई काम। और नौकरी की जो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं तो मैंने बताया आपको कि नौकरी पेशा बुरा मान जाएंगे, कि आप अमीर कभी बनेंगे नहीं और भूखे सोएंगे नहीं कभी, ठीक है। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।